व्यूअर्स, मैं हूं एसन क्रेशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी सरकारी मुलाजम की गफलत की वजह से कोई वार प्रिजनर या प्रिजनर ऑफ द स्टेट, जंगी कैदी जो है वो भाग जाता है, तो उस शख्स को, उस सरकारी मुलाजम को क्या सज़ा दी जाएगी, कौन सा सेक्शन ऑफ लॉ उस पर एप्लीकेबल होगा। पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन है 129 129 129, पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 129 के अंदर ये लिखा गया है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी मुलाजम की गफलत की वजह से जिसकी कस्टडी में वो जंगी कैदी कैद था, जिसकी कस्टडी में वो जंगी उस जंगी कैदी को दिया गया था, यानी कि वो पाबंदे सलासे था किसी जगह पर और वहाँ सरकारी मुलाजम की ड्यूटी थी, और उस सरकारी मुलाजम की गफलत बरतने की वजह से वो कहीं उस जगह से भाग जाता है, तो ऐसे सरकारी मुलाजम को पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 129 के मुताबिक 3 साल तक कैद की सज़ा दी जाएगी और उसके साथ साथ जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सीआरपीसी के शेड्यूल 2